So hey guys, this is Fatima Jafri and welcome back to another vlog. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं रूम की डेकोरेशन का सामान लेने के लिए जो कि इस वॉल पे आनी है। हम जाने लगे हैं। चले चलो। हाँ शब्बर, कहाँ जा रहे हैं? हम बताओ कहाँ जाना है, किधर चले? हम तो जा रहे हैं अपने रूम को डेकोरेट करने वाले सामान लेने के लिए। पता कहाँ से मिलता है? दो चीज जगह है, एक जंक्शन है और इसके अलावा अपना एक वो डॉलर शॉप भी है। तुम्हारी फेवरेट जो है वो लंडा, वो यार क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है, आप तो और लंडा पहुंचा दिया। नहीं नहीं नहीं, लंडा का मतलब ये नहीं है कि लंडे से, मतलब डेकोरेशन चीजें बहुत अच्छी मिलती। कमरे में कुछ दो चार चीजें लगी थी, मैंने लंडे से ही ली थी और वो यहाँ कहीं से भी नहीं मिल रही थी। वो जो वो अम्मा वाले रूम में लगी हुई है। गाइस पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है और जिसकी वजह से रोड आप देख सकते हैं कि कितनी खराब हुई हुई है। हम रॉन्ग जा रहे हैं क्योंकि वो पूरा देखे आप देख सकते हैं जैसे कि पानी पूरा पूरा भरा हुआ है और पब्लिक हमेशा परेशान होती है। हाँ जी, हमारी यहाँ बेस्ट चलती है, सेवन स्टार। सेवन स्टार कहते हैं, बहुत सारी है, सेवन स्टार, P1। इतनी गंदी ड्राइव है ना ये राजा बस की। यकीन करो हेलमेट पहना हो ना बंदे ने और इधर इस तरफ देख रहा है और पीछे से आ राजा बस जो है वो, बल्कि इस साइड से आ गए तो राजा बस आ जाए ना शाह करती है। हाँ। तो बंदे का हेलमेट घूम जाता है। ये देखे आप पानी देखे, आ ही नहीं सकते, गुजर ही नहीं सकते। राजा बस लो आ गई सामने, राजा बस हमारे। ये देख ये देख ये देख, अभी वो बड़ी गाड़ी गुजरी है इधर साइड पे लगा दी है। ये अगर बदतमीजी करके मैं घुसाता तो इन सब लोगों ने आराम से जगह दे देनी थी। इन्हें मैं दसदा हूँ ठहर जा, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ और शब्बर वहाँ पे काम से गए और फिर हम लोग जाएंगे ना रूम का सामान लेने। आप लोग देख सकते हैं हम सैलाब के पास से जा रहे हैं। सुबह से तो पूरी फुटपाथ देखिए इसका अच्छा खासा वो जा रहा है टायर। हर जगह ट्रैफिक में फंस के रह गए और रोजा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो नहीं क्या होगा हर बुरे अच्छे रिश्ते दस्ते हैं। चल अच्छा, हर बरादरी के अच्छे रिश्ते दस्ते हैं। वो देखो वहाँ इफ्तारी का सामान दिया जा रहा है, लड़ाइयाँ देखो, लाइन चेक करो। ओए होए, वो खा भी रही है बंदी, इफ्तारी का सामान लिया तो लिया साथ में खा भी रही है। वो देखो पूरा ऐसे सही सही बताना, डिजाइन चेंज करना था या नहीं? नहीं मुझे साइज चेंज करना था, सबने एक जैसा पहना था लेकिन नहीं मिल रहा, क्या करूं, उन्होंने कहा इसी साइज में ना एक्सल पड़ा हुआ है, ये नहीं है। खैर कोई बात नहीं, एक्सल दे दे, मैं और अम्मी दोनों पहन लेंगे। क्या देख रही हो यार? मुझे ये अच्छा लग रहा है, देखो। देखो वरना जो इफ्तारी करीब होगी ना दुकान बंद करनी है, वरना वो इस टाइम हर बंदा कुड़ता है। बेटे आगे वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, इधर से मैं तुम्हें रिक्शे बिठाऊंगा, घर चली जाना। इफ्तारी का टाइम बिल्कुल सर पे है, अभी एक डॉलर शॉप से मतलब होके आया है, मिला कुछ भी नहीं है, तीन एक फ्रेम मिले हैं, ठीक है फ्रेम लाया कि हूँ असं गली गली बेचन जा रहे हैं, लग रहा है जी मैं बेचन जा रहा हूँ कि मैं क्या तू गाड़ी में चलते हैं सामान पड़ा है तो वो खा के तो फिर जो है वो उसके बाद देख लेंगे। चलो आओ दोनों क्रीम चाट की दे दो, या आपकी फ्रूट चाट ज़्यादा अच्छी है? बहुत फ्रूट चाट खत्म हो गई है, सिर्फ क्रीम चाट पड़ी है। क्रीम चाट दे दो। क्या करने लगे? अभी जाके थोड़ा सा खाते हैं KFC, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या करते हैं। तो सारा बंदा है क्योंकि हर बंदे को थोड़ी पता है कि इन लोगों ने इफ्तारी कहीं गाड़ी पे ही की है। मैंने कहा आज निकले हुए हैं तो आज सारा काम खत्म करके ही फिर घर पहुंचे। हर बंदा अभी 7 बजेंगे, सारी लाइटें ऑन होंगी। शॉप पे पान शॉप थी, उससे मैं ना ये बॉटल लेने गया पानी की। हाँ। तो साथ वाला एक बंदा था, उसने एक सिगरेट के पैकेट दे दो। उसने कहा जी हम पैकेट नहीं देते, हम खुला सिगरेट देते हैं एक, या खुले जितने भी चाहिए वो दे देते हैं। उसने कहा कि यार अपना अभी दे दो। साथ वाले ने बताया कि खुले सिगरेटों में ज्यादा प्रॉफिट होती है, और फिर ये लोग लीडर्स को बुरा कहते हैं, फिर ये लोग कहते हैं रमजान में रोजे रखो, ये करो वो करो, समझ नहीं आ रही है। अच्छा स्क्रीन पे सिर्फ 4 लिखे हुए प्लीज कलेक्ट के, और बाकी सारे मतलब प्रिपेयरिंग के लिखे हुए।
अब चार बंदों को खड़ा होना चाहिए जिनके कलेक्ट जिनको करना है। पर्चियां दिखा दिखा के उनके स्टाफ से पूछ रहे हैं कि ये कितना टाइम लगेगा, कब आएगा। फाइनली ये मिल गया। उनका स्टाफ इतना ज़्यादा पका हुआ था कि आपकी सोच है। अब मैंने एक मतलब लेडी को बोला है कि मैंने टेक अवे बोला था, आपने डाइनिंग कर दी है। वो आगे से मुझे कहती तो सर इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, अभी कर देती हूँ। और मैंने कहा मैंने में पकने वाली क्या जरूरत है। अब मुझे चिकन पीस देना पहले, मैं वो ठूस लूँ। भूख लगी है यार बड़ी। इस दिन ना चैलेंज करेंगे मैकडॉनल्ड्स और KFC का ये लेग पीस। क्या मोबाइल में करना बनाया घर में तो। हाँ पिज्जा उठाने वाला यार। अंडा नहीं किसी को ठीक करना बनाना आता है। ये वाला खंजर था जब मेरे एक दोस्त को पैनिक अटैक हुआ था, तो मैं ये वाला खंजर मेरे फ्लैट से उठा लिया था। ओए होए होए। आ गए हैं जंक्शन, कुछ और डेकोरेशन पीसेस अपने रूम के लिए देखने। सबर क्या कह रहे थे अभी? यहाँ पे पड़े हैं ना। क्या क्या रहे थे अभी? मैं कह रहा था ये दोस्त मेरे महंगे बहुत हैं लेकिन क्वालिटी और चीजें बहुत अच्छी हैं। यार यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस अच्छे हैं। ये सारे पीस अब अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ जुजदार है ना, मतलब सिर्फ कुरान तो नहीं है ना इसके अंदर। प्यारा लग रहा है। तेरे जितना जबड़ा है। सही है। खजूरा बेच रहे यार रमजान से। वाह। पैकिंग में जा रही है। देखा है? प्यारे लग रहे हैं। अब हम जा रहे हैं रग्स और चीजें देखने के लिए ऊपर। बैग पे वो दिया हुआ है उन्होंने? नहीं है। तो होता है प्लेन सिर्फ मिरर रखा होता है सामने, वो नहीं है बनाना वगैरह। क्या 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 परसेंट मेरी जेब में है। अच्छा सही है। खुद से 23% का यानी कि जो डिस्काउंट बनता है वो दिया है। सारे हमारी बेगम दे रही है पैसे। 3% मैंने दिया वो मेरी तरफ से यानी कि मेरी जेब में। अच्छी सी पॉडी भी बनी जंक्शन के बारे में। पटरी नहीं अभी नाले गजले निकल रहे मेरे मुंह से। यार इनके बारे में इंशाल्लाह लिखूंगा अभी। और डेकोरेशन चीज इश्तहार पे अभी सारी चीजें हमने ली हैं रूम्स की सिर्फ। ठीक है जंक्शन ना। हां जंक्शन से ही लेते हैं यार। जंक्शन से ही ले उससे पहले कहीं और से लिए आज तक जंक्शन से लिया है। क्या कहती हूँ अभी मेरी कश्ती डूब रही है। मालिक इतना खर्चा हो गया तो एक नहीं मैं चक्कर आ रहा है जी अभी ये जिन मैं बनी हुई हूँ फिलहाल। अच्छा पर आपस की बात है, जितना आपका कद है ना उस पे जिन तो निकल के यही बोलेगा क्या हुक्म है मेरे काका। हम चलने लगे हैं वापस। सारा का सारा मेरे ATM से गया है और आज मुझे बहुत बड़ी डस पड़ी है। आज मुझे बीपी आजकल शूट होने लगा है मेरा। रोना बंद कर इधर रख दे। क्या हुआ? फातिमा का 60,000 ठोक दिया। पैसा ही पैसा 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 नहीं मेरा पैसा चलेगा मुझे।